हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं वर्किंग प्लस सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स के बारे में। वर्किंग प्लस सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों का यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट होते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डाल के और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज रेशियो क्या होना चाहिए। वर्किंग प्लस सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट की, यहाँ पे अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं वर्किंग प्लस सॉफ्ट जेल कैप्सूल, जो कि हमारे पास 10 सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स का स्ट्रिप है, जिसकी एमआरपी की बात करें उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स है उसकी एमआरपी 190। वर्किंग प्लस सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स को आईवेन केयर के द्वारा बनाया जाता है। वर्किंग प्लस सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स के अंदर इंग्रीडियंट्स की बात करें, उसके अंदर इंग्रीडियंट्स है कैल्सिट्रोल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, विटामिन K2 7s, मिथाइल कोबालामिन्स एंड एल मिथाइल फोलेट्स सॉफ्ट जेलेटिन इसके अंदर डाले गए हैं। वर्किंग प्लस कैप्सूल्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल वर्किंग प्लस कैप्सूल्स का उपयोग पोषण संबंधी कमियों को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। ये कैल्शियम के अवशोषण और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास में मदद करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण और रक्त कोशिकाओं, लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में भी मदद करता है। वर्किंग प्लस सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स एक कैल्शियम सप्लीमेंट है, जो कैल्शियम की कमी के प्रबंधन में मदद करता है। यह रक्त में विटामिन डी के स्तर को बेहतर बनाता है, जो बदले में आपकी आंत से अधिक कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। यह हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करेगा और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे किसी भी हड्डी संबंधी विकार के जोखिम को कम करेगा। वर्किंग प्लस सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स का इस्तेमाल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्किंग प्लस सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स का डोज रेशियो की बात करें, उसका डोज रेशियो पेशेंट्स की एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट्स की एज कितनी है, वेट कितना है, मेडिकल कंडीशन कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज रेशियो कितना होना चाहिए और उसका डोज रेशियो अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। वर्किंग प्लस सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में कैप्सूल्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से वर्किंग प्लस सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो वर्किंग प्लस सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स के बारे में कुछ भी डाउट तुम्हें कमेंट सेक्शन बताएं। वर्किंग प्लस सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।